नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। डबरा से मिल रही है सीधी के बाद एक और शर्मनाक वीडियो सामने आया है। डबरा से सामने आया मारपीट का वीडियो, युवक को तलवे चाटने पर मजबूर किया जा रहा है। वीडियो में मारपीट गाली गलौज कर रही है युवक। आरोपियों पर सिटी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया, आरोपियों के घर पुलिस ने दबिश दी है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो डबरा से ये उनकी गिरफ्तारी के लिए बहुत टीमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में रवाना है और बहुत जल्द इसमें जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और नियमानुसार जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो अतिशीघ्र पूरी की जाए। सर, पिटने वाला और पीटने वाले कहाँ के बताए जा रहे हैं? जो वीडियो में जो चेहरे दिखाई गए हैं और जो परिजन हैं वो डबरा जो क्षेत्र है उसी के निवासी हैं। तो ये तस्वीरें आप डबरा से देख रहे हैं। आरोपियों पर सिटी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। डबरा से ये शर्मनाक वीडियो सामने आया है। सीधी के बाद एक और घटना, ये शर्मनाक घटना सामने आ जाती है। डबरा का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर युवक से तलवे चाटने को मजबूर किया जा रहा है, उसकी मारपीट की जा रही है। लगातार ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं वीडियो में मारपीट की जा रही है। जो युवक है वो गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखकर नजर आ रहा है जो युवक हैं उनके अंदर कानून और प्रशासन का भय खत्म हो चुका है। सीधी की घटना कुछ ही दिनों पहले सामने आती है, उसके बाद डबरा से ये दूसरा वीडियो सामने आ जाता है। मारपीट की जा रही है युवक के साथ और शर्मनाक ये वीडियो जहां पर तलवे चाटने को मजबूर किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शर्मनाक ये वीडियो डबरा का बताया जा रहा है। तो सीधी के बाद एक और शर्मनाक ये घटना डबरा से सामने आ रही है। लगातार तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से युवक के साथ मारपीट की जाती है, उसके साथ गाली गलौज किया जाता है। पहले इस युवक का अपहरण किया जाता है, उसको गाड़ी में बैठाया जाता है, उसके बाद उसके साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज दी जाती है और उससे कहा जाता है तलवे चाटने को। तलवे चाटने पर युवक को मजबूर किया जाता है। लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उस गाड़ी में कुछ युवक बैठे हुए हैं और कोई इसका इस घटना का वीडियो बनाता है, जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो जाता है। और अब देखने वाली बात होगी प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं ये वीडियो संदेश दे रहा है इन युवकों के अंदर अब ना तो प्रशासन का भय बचा हुआ है, ना कानून का भय है, किसी का इनको डर नहीं है। सीधी के बाद एक और शर्मनाक ये वीडियो डबरा का बताया जा रहा है। लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से युवक के साथ मारपीट की जा रही है, चप्पल से उसको मारा जा रहा है। तो ऐसी खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डबरा से सतीश लाइव जुड़ चुके हैं। सतीश, इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है युवकों के खिलाफ, ये शर्मनाक वीडियो जो सामने आया है? सतीश, सतीश क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सतीश, इन युवकों पर प्रशासन क्या एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है? ये जो वीडियो वायरल होता है युवक के साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज दी जाती है, वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन क्या बड़ा एक्शन ले रही है? सतीश,
बिल्कुल शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आया और लगातार प्रशासन की कोशिश है कि इन जो आरोपी थे जो मारपीट करने वाले उनके घरों पर कदम की जा रही है और प्रशासन ने उनकी पहचान भी कर ली है कि आखिर ये कौन थे। ये मैं आपको बता दूं कि सुल्तानपुर क्षेत्र के ये निवासी थे जिन्होंने डबरा से एक मुस्लिम समुदाय के युवक को उठाया। कोई पुराने रंजित का मामला था जिसको लेकर कार में अपहरण कर वो ले गए और उन्होंने कार के अंदर ही चप्पलों से मारपीट की। इतना ही नहीं, उसने अपने पैर भी दबाए और तलवे भी चटवाए। तो बड़ा ही शर्मनाक वीडियो है। हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था इन दिनों बिल्कुल चौपट नजर आ रही है। पहले सीधी कांड, फिर नरवर कांड और अब डबरा कांड से जुड़ा हुआ ये वीडियो सामने आया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रशासन ने फिलहाल एसडीओ के विवेक शर्मा ने बताया है कि अपहरण का मामला सिटी थाने में दर्ज कर लिया गया है। वही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास बने रही है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता संतोष परिहार जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे पहले मैं मिलन भार्गव जी से सवाल लेना चाहूंगी। मिलन भार्गव जी, ये जो वीडियो एक डबरा का सामने आता है, युवक के साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है, शर्मनाक ये घटना, यहां तक कि स्तर इतना गिर जाता है कि युवक से तलवे चाटने को मजबूर कर दिया जाता है, कहां है आपकी मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था, क्या कर रही है? ये तस्वीरें लगातार सीधी के बाद दूसरी घटना सामने आ जाती है। भार्गव जी देखिए, अभी आपकी चैनल पे ही सुन रहा था कोई शख्स, आपके जो रिपोर्टर हैं या कोई भी जो है विशेषज्ञ, वो कह रहे थे कि इस पर मामला दर्ज कर लिया गया और जल्द गिरफ्तारी होगी आरोपियों की। तो मतलब साफ है कि यदि कोई चीज घटती है उसके तुरंत बाद यदि एफआईआर हो रही है तो कानून का ही तो राज है। कहां उनको संरक्षण देने की बात हो रही है, एफआईआर नहीं हो रही है या सुनवाई नहीं हो रही या पीड़ित पक्ष परेशान हो रहा है, तो ये कानून का ही तो राज है। पुलिस कह रही है कि एफआईआर हो गई है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, तो इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश में कानून का राज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस पे इस तरह के अपराधियों को ध्वस्त किया है। उनके निर्देश पर कानून 100% काम कर रहा है। यदि आपको कहीं कोई कार्रवाई में कमी लग रही हो तो बताएं। भार्गव जी, मान लिया कि आपकी जो सरकार है कानून व्यवस्था बनी है और आगे कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही है, लेकिन लोगों के भय में, मध्य प्रदेश के लोगों में, आम जनता में आखिरकार कानून का भय क्यों खत्म होता जा रहा है, कानून का भय क्यों नहीं है? कैसे, ये भी तो बताएं कैसे हो रहा है कानून का भय? आरोप लगाने मात्र से हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है उस पर संतोष जी, ये जो वीडियो डबरा से सामने आया, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप इस पर? थोड़ी कुछ होगा संतोष जी। देखिए शिवानी, मध्य प्रदेश के अंदर कानून का राज बिल्कुल खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश में केवल इवेंट का काम चल रहा है। ये सब वीडियो वायरल हो गया इसलिए जो है आपको दिख रहा है, तो मजबूरी में पुलिस कार्रवाई कर रही है। मैं सीधी की घटना बताऊं कि सीधी की जो घटना थी वो 10-15 दिन पुरानी थी। वो तो वीडियो वायरल होने के बाद जो है फिर ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। जब तक आप ये बताइए, जब कोई वीडियो वायरल हो रहा है तो उसके पहले उनने एफआईआर की भी कोशिश करी होगी, एफआईआर नहीं हुई होगी तो वीडियो वायरल होगा। तो मध्य प्रदेश इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कानून व्यवस्था जो है क्या है, ये तो आपको दिख ही रहा, जंगल राज हो गया मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर केवल जो है रोज जो है किसी को कोस के गाड़ दो आदिवासियों को, तो करंट से जला दो, तो फिर उसका वीडियो वायरल हो। फिर अभी आपने जो सीधी की घटना की बात करी, कितने मध्य पूरे देश में पूरे विश्व में सर्वसार करने वाली वो घटना है कि जरा भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रतिनिधि इतना ज्यादा दम्भ में है, इतने ज्यादा उसमें है कि जो उसके उस पर पेशाब कर रहा है, उसके बाद थाने में से जा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा जो है जंग जीत के आया। तो मध्य प्रदेश के अंदर अब तो भगवान ही मालिक है। और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री को केवल सुबह से शाम तक जो है बाइट देने से फुर्सत नहीं है, केवल ब्यूटी पार्लर में सच के आ जाते हैं, दिन भर जो है बयान देते रहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और ये आपको दिख रही है। और केवल जो है बोले साहब एफआईआर, अभी तक जो है उसको बिल्कुल ये जैसे ही हुआ था तो एफआईआर दर्ज हो गया, उसको बुला के करना चाहिए था। और वीडियो वायरल तो बाद में हुआ ना, पहले घटना तो पहले की है, कोई आज की थोड़ी है। वो तो क्या जब मिलन जी से जवाब ले लेते हैं, मिलन जी संतोष जी की बात का क्या जवाब देंगे? सीधी वाला भी उनका कहना है कि वीडियो वायरल जो है अभी हुआ है, घटना पहले की बताई जा रही, पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मिलन जी देखिए, देश संविधान और कानून से चलता है। अभी ये बड़ी बड़ी कानून की बातें कर रहे हैं, उसी कानून उस संविधान के तहत
राहुल गांधी की कल सदस्यता गई तो देश की न्यायपालिका पे कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए। मतलब देश में यदि कानून का राज है, किसी अपराधी को उसको सजा मिलती है, उसको जमानत पर चलना पड़ता है, तो कानून में फिर वो राजनीति करने लगते हैं। कल तो आंदोलन कर रहे थे, आज जब कानून काम कर रहा है तो उसमें दूसरे तरह के देखिए दो रूप है, दो रूपी तरह की बातें ये लोग करते हैं। जब कानून काम करता है तो कानून पे सवाल खड़े करेंगे, अपराधियों को संरक्षण देंगे, जिहादी और आतंकवादियों के साथ खड़े दिखाई देंगे। आज जिन लोगों पर कार्रवाई हुई तो उन पर सवाल उठा रहे हैं। ये सीधी सीधी का भूत जो इनसे चढ़ा हुआ है, इनसे पूछिए शिवपुरी की घटना पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं। शिवपुरी पे भी तो इस तरह की घटना घटी है और अपराधियों को ध्वस्त किया गया है, तो उस पर विषय में क्यों कांग्रेस पार्टी चुप है। और रही बात इस वीडियो की, तो वीडियो के चलाकर कांग्रेस पार्टी प्रचार करके मध्य प्रदेश को अपमानित करने का काम कर रही है। इसके असर कुछ नहीं है, ना ये अपराधियों को ध्वस्त करना चाहती है, ना पीड़ित पक्ष की संवेदना है। ये तो राजनीति करना चाहते हैं, इनको मौका मिल जाए राजनीतिक रोटियां सेकने का। देखिए सीधी कांड में जिस प्रकार से सीधी का विषय है, उसमें अपराधियों को ध्वस्त किया गया, पीड़ित को सम्मान दिया गया। आज पीड़ित कुछ मीडिया आज जो ये घटना डबरा से सामने आई है, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? सीधी में आपने देखा बुलडोजर कार्रवाई की गई, तो क्या यहाँ पर भी आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? नहीं, हर चीज पे बुलडोजर चलेगी, ये आप तय हम तय नहीं करेंगे, कानून अपना काम करेगा। कानून के तहत मेरी बुलडोजर चलने की आवश्यकता होगी तो चलेगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से कानून व्यवस्था नहीं चलेगी। डीजीपी मध्य प्रदेश सरकार का है, कांग्रेस कार्यालय के नहीं है। पुलिस प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार की है, कांग्रेस कार्यालय की नहीं है। कांग्रेस की ओर से संरक्षण चाहिए है, क्योंकि ये अपराधियों का संरक्षण करते आए, जिहादियों का संरक्षण करते आए, आतंकवादियों का संरक्षण करते आए। जब देश में आतंकवादियों को गोली मारी जाती तब भी ये सवाल खड़े करते, तो इनके सवालों का जवाब देने के लिए हम तटस्थ नहीं है, ना ही मजबूर है, क्योंकि इनको तय करना होगा ये राष्ट्र के साथ है या दुश्मनों के साथ है। पहले तो ये खुद तय कर लें, जिहादियों के साथ ये खड़े रहते हैं। संतोष जी क्या कहेंगे आप भार्गव जी की बात का? देखिए आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं जी। नहीं देखिए क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और भार्गव जी बात कर रहे हैं, ये किस मुंह से बात कर रहे हैं कि एक आदिवासी के ऊपर जो पेशाब किया जाता है और मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन 15 दिन बाद जो उसके अंदर आता है, ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? पूरे देश को शर्मसार कर दिया मध्य प्रदेश ने। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं कि तलवे चटवा रहे हैं? ये जो है ये झूठे और नकली लोग हैं और जनता जान चुकी है। और मध्य प्रदेश के अंदर 5 महीने बाद इनकी विदाई होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता के रूप में पुलिस प्रशासन और जो ये एसपी और ये काम कर रहे हैं, इसका जवाब जनता देगी। और मध्य प्रदेश के अंदर रिचार्ज और टॉपअप में चलने वाली सरकार, सारे कलेक्टर एसपी जो है उगाई करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, पूरा भ्रष्ट बना दिया, घोटाला प्रदेश हो गया है और बात कर रहे हैं उसकी। और जहां तक राहुल जी की बात कर रहे हैं, राहुल जी पूरी देश की जनता देख रही है और जवाब देगी। और ये जो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, अगर राहुल जी पे, तो मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में ये मध्य प्रदेश का जो बतौलेबाज मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े बातें कर रहा है, ये 5 महीने बाद जितने अपराध कह रहे हैं कि आने वाले 5 महीने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिस तरह की लगातार वीडियो सामने आ रही है, जनता भी इन वीडियो को देख रहा है, क्या कहेंगे आप संतोष जी की बात पर? मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के आने का दावा कर रहे हैं ये, क्या बात कर रहे हैं? इनको चुप कराइए मैडम पहले। संतोष जी मिलन जी की बात का जवाब ले लेते हैं जी। मिलन जी बताइए आप जी। इस देश में, इस प्रदेश में कानून का और संविधान का राज है। कानून को तोड़ेगा कोई वो सलाखों के पीछे होगा, चाहे इनका नेता हो, चाहे इनके राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सब 420 केस में जमानत पर चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह की जमानत पर चल रहे हैं। कमलनाथ जी पर कितने गंभीर आरोप हैं कि सिखों का कत्लेआम उनने अपनी नजरों में उनके नेतृत्व में हुआ, तो इतने तरह के गंभीर आरोप घोटालों के अपराधों के हैं, तो ये सलाखों के पीछे जाएंगे। कानून का राज है, कानून ही इनको सजा देगा। और रही बात चुनाव की, तो देखिए चुनाव में दिल्ली की तरह सपने देखते रहे। आधार क्या है? आधार बिंदु पूछ लीजिए, लेकिन आधार पे चुनाव जीतेंगे, किन योजनाओं के दम पर जीतेंगे? 15 माह में रहे, 15 योजनाएं लागू नहीं कर पाए। ये वीडियो सामने आया है, चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये वीडियो जो सामने आया उसका मुद्दा चल रहा है, उस पर क्या कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? FIR माना दर्ज हो चुकी है, आगे क्या कार्रवाई करेगी कि मध्य प्रदेश की जो जनता है उनको भी समझ में आ जाए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे इस तरीके के वीडियो सामने ना आए, आगे इस तरीके का कृत्य ना किया जाए गरीब जनता के साथ? क्या कहेंगे आप इस बात पर मिलन जी?
देखिए फिर मैं आपसे बार बार आप एक ही प्रश्न कर रही हूँ, जब मैं बोल चुका हूँ आपसे कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, सख्त के साथ कार्रवाई होगी, अपराधियों को कई संरक्षण देने की बात आ रही है, तो एक उदाहरण आप बता दीजिए। अपराधी सलाखों के पीछे जा रहे हैं, उनके इरादों को ध्वस्त किया जा रहा है, उसके बाद भी आप कार्रवाई पे सवाल यदि करेंगे तो इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। चलिए मिलन जी, संतोष जी, समय का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकते हैं। आप दोनों लोगों का, मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें आपने देखी, डबरा की ये वीडियो बताई जा रही है जहां पर युवक के साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज उसको दी जाती है, लगातार ये शर्मनाक की घटना डबरा की ये बताई जा रही है।